का मोमेंट चल रहा है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, लेकिन विपक्ष में समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन कितना समर्थन दे रही हैं अधिवक्ताओं को, इस पर भी हमारी खास नज़र है। वरिष्ठ नेता जनपद मुजफ्फरनगर में डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अंसारी मेरे साथ हैं। जी स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे अधिवक्ताओं का इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, तो आपकी सरकार जो पार्टी है क्या कुछ कर रही है इसके लिए, इनके लिए? देखो ये तो पार्टी हाईकमान का मामला है, हम तो अपना से कार्य करते हैं समाजवादी पार्टी के, और जो पार्टी हाईकमान चाहेगी अधिवक्ताओं के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए आग्रह कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो जैसे वो निर्णय लेंगे उसके अनुसार आदेश का पालन। आप एक अधिवक्ता है, क्या कुछ कर रहे हो? नहीं कुछ अधिवक्ता होने के नाते हम अधिवक्ता समाज के साथ है, और अगर हमारे अधिवक्ता समाज की मांगे शीघ्र ही पूरी नहीं होती तो हम आगे के लिए जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये बताइए कि अभी यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन पता चला कि कुछ नेताओं के साथ उन्होंने जो मान सम्मान नहीं दिया है, जिसकी चर्चाएं हो रही है, क्या आपके साथ नॉलेज में है? देखो ऐसा है, मेरे संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा हम भी उसमें मौजूद थे, हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी कार्यकर्ता के साथ मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाई हो। कोई अंसारी बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं? आप सब अंसारी हैं, हो सकता है क्या रुख है या कोई ऐसा कुछ हुआ है किसी नेता के साथ? हो सकता है हम वहाँ मौजूद ना हो, उस समय कुछ हो गया हो, नहीं तो नरेश उत्तम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत समझदार है और समझदारी से कार्यकर्ताओं को। क्या लग रहा है अभी, तो आपका कुछ लग रहा है सरकारों का बनाने की स्थिति में हो या भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट रही है? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पूरे प्रयासरत हैं, हमारे आप पिछला आंकड़ा देख लीजिए, जो हमारे विधायक थे जो चुनाव हुए हैं उनमें कितना अंतर था आप बताइए। वो तो ये कि हमारी वोट सोची समझी साजिश के तहत काट दी जाती है, उनको वोटों को जो है हम बनवा रहे हैं, हर बूथ पर आपके ध्यान रखा जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा वोट बनवाए जा रहे हैं, समस्त कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में? देखो हम किसी पार्टी के बारे में क्या कहें, हम तो अपनी पार्टी के लिए देख रहे हैं कि हमें सरकार बनानी है और प्रयासरत है हम सरकार बनाने के लिए, हम दूसरी पार्टी की आलोचना करते ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तक किसी की आलोचना नहीं करते, हमें तो अपने काम हमें काम करना है पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है, हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करता है। और देखो हमें इतना पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, जिसमें आम जनमानस बेतहाशा है, और मतलब जो है बेरोजगारी फैल रही है, इस बेरोजगारी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो ऐसा नहीं होगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। पहले भी पिछली सरकार आप देख लीजिए, चाहे छात्र हो, व्यापार हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी कोई सा समाज ऐसा नहीं जिसको वंचित रखा गया हो, सारे समाज को सम्मान दिया गया है, सारे समाज बेरोजगारी भत्ता भी हमारी सरकार ने दिया है, पेंशन भी हमारी सरकार ने दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आवास भी दे दिया है और बहुत कुछ मुस्लिम समाज को भी दिया है, सबको राशन की भी व्यवस्था, सब कुछ बहुत कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। देखो अपनी अपनी सरकार में हर आदमी कुछ ना कुछ तो करता है, अगर उन्होंने सरकार ने कुछ दिया है तो लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि इन्हें बेरोजगारी की वजह से इसको दबाने के लिए राशन बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ठीक है। रही बात उसकी, हर सरकार अपनी अपनी योजनाएं चलाती है, उन्होंने भी अपनी योजना चला रखी है, देखो कितना संतुष्ट होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा है क्योंकि वो काफी कुछ ऐसा नजर आ रहा है, सूत्र भी बता रहे हैं, क्या आप पे दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी में जाएगा? देखो हमारी पार्टी के अंदर जो नेता है वो देखो इस तरह की डोंगबाजी तो हमारे से आती रही, हम तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सीधे साधे कार्यकर्ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी या हमारे संरक्षक महोदय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, हम तो सीधे साधे आदमी है, हमारे से तो कोई इस तरह की बनावट वाली बातें आती नहीं। देखो हर सरकार अपनी अपनी बातें करती है, वे अपनी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमारी तरफ जा रहा है, तो अभी आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव हुए और उसमें आप देख लीजिए कि हमारी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर। अब लग रहा है कुछ आपका वोट बैंक, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष में कांग्रेस भी है, दूसरे अलायंस है, उनसे गठबंधन होगा आप लोगों का? नहीं लोगे, हमारे गठबंधन तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाने, लेकिन ये है कि
अगर हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जैसे भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और इंडिया नाम से हमारा गठबंधन बनेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमारा गठबंधन चलेगा और पक्की तरीके से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।